चलिए अब आज की अच्छी खबर का रुख कर लेते हैं। आज की अच्छी खबर किसानों के लिए ही है। मोदी सरकार ने किसानों की बदहाली दूर करने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है जहां किसानों को पहले से ही पता हो सकेगा कि उनकी फसल की कीमत कितनी होगी, उसका खरीदार कौन होगा, यानी बिना बिचौलियों के एश्योर्ड बाजार और कीमत। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। किसानों के अच्छे दिन लाने के लिए मोदी सरकार ने एक साथ कई मोर्चों पर तैयारी शुरू कर दी। इसके तहत किसानों को एश्योर्ड मार्केट देने और बिचौलियों की भूमिका कम करने के लिए एपीएमसी एक्ट में बदलाव किया जा रहा है ताकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को नए सिरे से लागू किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक नीति आयोग की तरफ से इसकी पहल की जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों और कंपनियों के बीच पहले से तय कीमत को सही तरीके से लागू किया जाएगा। सही तरीके से लागू किया जाए इसके लिए लोकल स्तर पर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमेटी बनाने की तैयारी हो रही है। इस कमेटी में किसानों के प्रतिनिधि, कंपनी के प्रतिनिधि और राज्य सरकार के नुमाइंदे शामिल होंगे। साथ ही नए एक्ट में मार्केट के हालात के मुताबिक तय कीमत को 10% घटाने या बढ़ाने की भी मंजूरी होगी। ये किसान और कंपनी दोनों के लिए होगा। इसके अलावा कमोडिटीज के इंटरस्टेट टैक्स को यूनिफॉर्म बनाते हुए 4% करने पर भी विचार हो रहा है। फिलहाल अलग अलग राज्यों में ये दर 10 से 15% तक है। साथ ही दूसरे की जमीन पर खेती करने वाले किसानों को भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इजाजत देने की तैयारी की जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को सॉइल हेल्थ कार्ड से लिंक करने की भी तैयारी है। यानी कुल मिलाकर सरकार किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था की तैयारी में है जिसमें किसानों को पहले से पता होगा कि उसे फसल के बदले कितनी कीमत मिलने वाली है। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली।